सब्सक्राइब तो हर चैनल भैया यूट्यूबर चैनल के नाम चैनल का नाम है एस्ट्रो बिंग भैया जरा कुछ बोलते भी जाओ सब बताओ हाँ सब बताओ देखो यहाँ से अपनी नाव चली है सबसे बड़ा घाट विश्राम घाट यहाँ भगवान ने कंस को मारने के बाद में विश्राम लिया है तो इस घाट का नाम पड़ा विश्राम घाट क्योंकि भगवान ने कंस को अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा मणि उत्कर के मारा है जैसे राम जी ने धनुष बाण से रावण को मारा ऐसे कृष्ण भगवान ने कंस को नहीं मारा तो आके भगवान ने यहाँ विश्राम किया है वो क्यों किया है कि हम आपको चेतना देने के लिए कि मेहनत करने के बाद में विश्राम जरूरी है और यहीं का सबसे बड़ा पर्व है जो यमुना जी के भाई है यमराजा का यमुना जी ने निमंत्रण किया और कहा कि भाई एक दिन आप हमारे घर भी पधारो तो यमराज बोले बहन मेरे को यमलोक से फुर्सत नहीं मिलती है मैं कैसे आपके घर आऊं बोले भाई हमारा निमंत्रण है आपका मन है बोले ठीक है मेरे को फुर्सत मिली तो मैं आऊँगा तो कार्तिक महीने में नरक चतुर्थी जो आती है दीपावली से एक दिन पहले यमराजा यहाँ पर आए तो यमुना जी ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया बढ़िया बढ़िया पकवान मिठाई बना के खिलाए तो यमराज प्रसन्न हो गए यमराजा ने 3 दिन यहाँ वास किया और भैया दौज वाले दिन जाने लगे तो बोले बहन कुछ मांगना हो तो मेरे से मांग लो बोले भाई मैं आपसे क्या मांगूंगी मेरे पे किसी चीज़ का कमी नहीं है तीनों लोगों का स्वामी मेरा स्वामी है और सूर्यनारायण मेरे पिता हैं और आप जैसा मेरा भाई है बोले मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है तो यमराज बोले बहन ऐसी मर्यादा अगर बहन भाई के घर जाती है तो खाली हाथ नहीं आती है मैं तो स्वयं आपके यहाँ आया हूँ और आपने मेरा इतना बड़ा आदर सत्कार किया है तो मेरा फर्ज बनता है देने का तो यमुना जी सोचने लगी कि ये यम है कहीं मुकर ना जाए पहले इसको बंधन में बांधो तो यमुना जी ने कहा कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप दोगे तो यमराजा ने 3 बार कहा कि मैं दूंगा 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 तो यमुना जी ने मांगा कि जो मेरे में आके स्नान करे वो तेरे लोग को नहीं है यम लोग को तो यमराज चकित रह गए बोले बहन आपने तो बहुत बड़ा वरदान मांग लिया आपका आगमन यमुनोत्री से है और प्रयागराज में जाके आपका संगम है इतने क्षेत्र में 4-5 तीर्थ पड़ते हैं वृंदावन है मथुरा है गोकुल है प्रयागराज है बोले इतने क्षेत्र में हजारों आदमी रोज का स्नान करता है मैं ये वरदान नहीं दे सकता मेरा तो यम लोग खाली हो जाएगा इतना तो स्नान आदमी करता है और जीव जंतु अलग तो यमराज बोले यमुना जी बोली भाई आप बाप मुकर रहे हो तो यमुना जी ने कहा कि नहीं यमराज बोले जो मैंने आपको वचन दिया उसका पालन करो जो भैया दो हम आप जो बोलते हैं ना बहन भाई के टीका करती है बोलो उस दिन आदमी बहन भाई जो आके स्नान करेंगे वो मेरे लोग को नहीं है तो इसलिए असली उसका नाम है यम द्वितीया यम और यमुना जी की दोष यहाँ 10-5 लाख आदमी का स्नान होता है कार्तिक महीने रात के 12 बजे से स्नान शुरू हो जाता है और रात के 11-12 बज जाते हैं ये सेठ लक्ष्मीचंद का मकान है बड़ा वाला जो देख रहे हो आप सेठ लक्ष्मीचंद जो पुराना जो दिख रहा है वो सब हाँ मथुरा में ऐसे सेठ हुए इन्होंने अपने टाइम में 84 मंदिर इनके कोई संतान नहीं थी सेठ के संपत्ति काफ़ी थी तो सेठ ने यमुना मैया कृष्ण भगवान से प्रार्थना किया कि प्रभु हमारे संतान नहीं है संपत्ति है सब बेकार तो यमुना मैया कृष्ण भगवान ने दोनों को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा कि आप हमारे मंदिरों का निर्माण कराओ तो तुम्हारे संतान उत्पन्न हो तो सेठ ने सबसे पहला मंदिर द्वारकाधीश का निर्माण कराया और विश्राम घाट जहाँ से आपको बिठा के लाए वहाँ एक आरती करने के लिए चबूतरे का निर्माण कराया अभी कमल के पीछे एक चबूतरा बना हुआ है उस पर सेठ सेठरानी दोनों का छवि गुदा हुआ है तो सेठ की घरवाली के 60 वर्ष की अवस्था में पुत्र हुआ पुत्र होने की खुशी में सेठ ने आप वृंदावन जाओगे रंगनाथ मंदिर है इसमें सोने का खम्भा खड़ा है उसका निर्माण कराया सेठ ने एक जैन मंदिर का निर्माण कराया अभी सेठ का 6वां पीढ़ी चल रहा है 3 पीढ़ी शांत हो गई 3 पीढ़ी जीत गई और जो परिवार वाले वो कानपुर रहते हैं या नहीं रहते आज भी हमारे ब्रज के क्षेत्र में लोग कह देते हैं आपस में कोई झगड़ा हो जाता है कि ऐसा कहीं तो लक्ष्मीचंद नहीं है
और ये सेठ लक्ष्मीचंद की हवेली है। ये भारत वर्ष का एक इतिहास है, पूरे भारत वर्ष में आपको नहीं मिलेगा। तो तीन गुम्बद कलर जो हो रही है ना, वो सुर्री जो बनी हुई है, ये बनी हुई तो मस्जिद है, इसमें अंदर हनुमान जी विराजमान है। किला गेट है ना, इसके अंदर हनुमान जी विराजमान है। यहाँ मुसलमान कोई नहीं आता है। हिंदुओं का कब जाए, शाम को संत लोग बैठेंगे, सत्संग होता है। इस घाट का नाम है संत घाट। और देखो एक बोट जो लगी है ना, ये वासुदेव घाट, ये बिजली का जो टावर लगा हुआ है, इसके पीछे जो तीन जाली दिख रही है छोटी वाली, उसके नीचे एक जाली है, उसके नीचे जो जाली वाला गेट दिख रहा है, वहाँ बसदेव जी देव जी का स्टेचू बना हुआ है। बसदेव जी आज भी कन्हैया जी को लेकर टोक रहे हैं। विष्णु भगवान ने जब अवतार लिया तो बसदेवी कन्हैया जी को लेकर यहीं पर आई थी। यहाँ से सीधा रास्ता जन्म स्थान, पहले उसका नाम था काराघाट, भगवान ने जन्म लिया तब से उसका नाम पड़ गया जन्म स्थान। तो बसदेव जी कन्हैया जी को यहाँ लेके आए, फिर यहाँ से उसी किनारे 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 लेके बसदेव जी कन्हैया जी को गोकुल के सामने पहुँचे। जब गोकुल के सामने बसदेव जी पहुँच गए तो मन में विचार करने लगे और कहने लगे कि इत मथुरा उत गोकुल नगरी, इत मथुरा उत गोकुल नगरी, बीच में है यमुना गहरी, कैसे जाऊँ रे कन्हैया तेरी गोकुल नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, यहाँ से 10 किलोमीटर गोकुल। तो बसदेव जी सोचने लगे कि बोले वापस जाऊँगा तो कंस बच्चे को मार देगा, चलो यमुना ही में होके चलते, अगर पानी कम हुआ तो पार हो जाएंगे, ज़्यादा हुआ तो वापस हो जाएंगे। तो आज भी हमारे हिंदू धर्म में ये मर्यादा है कि जो गंगा यमुना की मान्यता करते हैं वो चप्पल जूते लेके जल में प्रवेश नहीं करते। तो वाजदेवी ने क्या किया, जो खड़ाऊँ पहने तो उनको उतार के यमुनाई के किनारे से दूर रख दिया, और आके जैसे यमुनाई में पक दिया तो यमुनाई को ज्ञात हुआ कि भगवान त्रिलोकीनाथ हमारे मुँह के पार हो रहे हैं, अगर हम इनका चरण स्पर्श नहीं करें तो कोई हमारी मान्यता नहीं। तो यमुनाई ने क्या किया, भगवान का चरण छूने के लिए अपना जल स्वरूप बढ़ाया, कोई रूप धारण नहीं किया। जब जल स्वरूप बढ़ाया तो बसदेवी के ज़्यादा जल हुआ तो बसदेवी घबराने लगे, बोले यहाँ तो ज़्यादा जल है, डूब के मर जाएंगे, चलो वापस चलते हैं, कंस बच्चे को मारेगा, मेरे को थोड़ी मारेगा, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी लगती है। बसदेव जी के मन में जब ऐसा भाव आया तो कन्हैया जी ने उसी टाइम से अपनी लीला शुरू की। जिधर खड़ा हूँ उतारे उधर भगवान ने माया से शेर बना दिया। तो वाजदेव ने किनारे की तरफ पलट के देखा तो शेर दाढ़ है, बोले इधर कुआ इधर का, अगर यमुनाई में जाता हूँ तो दोनों डूब के मर जाएंगे, और किनारे पर जाऊँ तो दोनों को शेर खा जाएगा। तभी वाजदेव जी के मन में धर्म उत्पन्न हुआ, कहने लगे यमुना जी का डूबना और विप्रों का व्यवहार, ब्राह्मणों का ऐसा व्यवहार था, आप आए आपने पूजा अर्चना जो कराई जो खुशी से दो वो ले लेते थे, आज का ज़माना वो हो गया कि आपकी पॉकेट खाली हो जाए तो कुछ नहीं। यमुना जी का डूबना विप्रों का व्यवहार, और डूब जाए तो पारे और पार जाए तो बोले शेर का भक्षण नहीं बनेंगे, यमुना जी में होके जाएंगे, अगर उसमें डूब गए तो भी पारे और पार गए तो पार। तब बसदेवी कन्हैया जी को लेके आगे बढ़े तो यमुना जी ने दोबारा से अपना जल स्वरूप बढ़ाया भगवान का चरण छूने के लिए। तो बसदेवी के जब मुख तक जल आया तो बसदेवी ने रात के टाइम में हवाई लगाया, कोई लो बच्चे को कोई लो, क्योंकि बसदेव जी डूब रहे हैं, कन्हैया जी टोकरी में अगर कोई झगड़ा हो तो रात के टाइम में पकड़ ले। तो आज भी ये साक्षात प्रमाण है, आप गोकुल जाओगे तो गोकुल के सामने कोयले नाव का गांव बसा हुआ है, जहाँ से बसदेव जी ने यमुनाई को क्रॉस किया है। आजकल कलयुग का जमाना, आदमी झूठ बोलने में ज़्यादा माहिर है। अभी आपको बता देंगे विश्राम घाट से कि यहाँ से पार हुए थे, और देखो वो व्हाइट गेट दिख रहा है ना, उसको बता देते गोकुल द्वार है, यहाँ से ही बसदेव जी ने यमुनाई को क्रॉस किया है। लेकिन जो ओरिजिनलिटी में बसदेव जी ने यमुनाई को क्रॉस किया है वो कोयला गांव गोकुल के सामने से किया है। जब रात के टाइम में आवाज़ लगाया कोई लो बच्चे को कोई लो, तो कन्हैया जी ने सोचा कि पिताजी घबरा गए, कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। तो कन्हैया जी ने क्या किया, अपने चरण को टोकरी में से पीछे लटका और यमुना जी ने हिलोर लेके भगवान का चरण छुआ। चरण छुआ उतरी पटरानी, चरण छूने के बाद में यमुना मैया को कृष्ण भगवान की पटरानी का पद मिला। चरण छुआ उतरी पटरानी और घुटनों दे दिया पानी, जो चरण छूने की अभिलाषा थी वो पूर्ण हो गई। तो बसदेव जी के घुटनों पानी किया, तब बसदेव जी कन्हैया जी को लेकर गोकुल पार किया। ये कंस का किला सामने
किचन में है, उस टाइम तो पूरी मथुरा ही खिला दी। अभी मौजूदा टाइम में इसकी एक खासियत है कि ये मथुरा शहर को यमुनाई से बचा है। जब सावन भादो के महीने में ज़्यादा जलाता है ना, ये सब जमीन डूब जाती है, नजर वृंदावन से यमुनाई आती है, सीधा टक्कर इस पर पड़ती है। यहाँ टक्कर खाने के बाद में पानी ऐसे टन लेता है। ये जो बोर्ड जो बने हुए हैं ना, बोर्ड जो लिखे हुए हैं, 78 में इतना जलाया था, इसको खंडर कर दिया था 1978 में, तो गवर्नमेंट ने दोबारा से इसका रिपेयर कराया। ये किला खाली, इसमें और भी देखने के लिए कोई वस्तु वगैरह नहीं है। इसमें एक भोलेनाथ का मंदिर है, ऊपर जाके जो लोग खड़े ना वहाँ पर, एक भोलेनाथ का मंदिर है, एक भैरवनाथ का मंदिर। इसमें यहाँ पर हमारे यहाँ पर जैसे रावण का वध होता है ना स्वार के महीने में, यहाँ कार्तिक महीने में कंस का मेला लगता है, तो जैसे रावण का पुतला बनता है ऐसे ही कंस का पुतला बनाते हैं। और कंस अखाड़ा है, जिला हॉस्पिटल के सामने रंगेश्वर मंदिर है वहाँ पर, तो वहाँ जाके उसको खड़ा कर देते हैं, फिर कृष्ण बलराम जन्म स्थान से हाथी पर सवारी करके उसको मार के आते हैं, और फिर आज भी आके विश्राम घाट पर विश्राम करते हैं। तो कंस को मारने का भगवान को पाप लगता है, तो फिर मथुरा होके और गढ़ गोविंद होते हुए वृंदावन होते हुए किले के ऊपर होके परिक्रमा होती है 54 किलोमीटर का, तीन बन जो कलाकार आते हैं मारते हैं वही विश्राम करते हैं फिर यहाँ। हाँ, उस दिन यमुनाई का 12 बजे आरती होता है रात। और देखो आपको जितना बताए सब जो आपको दिखा रहे हैं ये सब काल्पनिक है, भगवान के टाइम की 3 चीज़ें यहाँ पर, वो उस टाइम भी थी और आज भी है। सबसे पहली यमुना मैया हैं, दूसरे जो हैं गिरिराज गोवर्धन पर्वत, उसको भगवान ने ब्रज को बचाने के लिए नक के ऊपर धारण किया। तीसरा जो है ब्रज 84 कोस की भूमि है, जिसमें भगवान ने बाल अवस्था में सारी लीला की है। उसका कहावत होता है कि ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जो देख, और लक्ष 84 जो उनके संकट है झेले, वो 35 दिन में पैदल पैदल होती है। उसका बड़ा नियम निष्ठा है, आपको नंगे पैर चलना पड़ेगा, तेल साबुन इस्तेमाल नहीं करोगे, कटिंग दाढ़ी नहीं कराओगे, किसी जीव जंतु को मारोगे नहीं, किसी हरे वृक्ष को तोड़ोगे नहीं, मन में काम क्रोध लोभ कुछ भी नहीं आना चाहिए आपको, तब ये परिक्रमा होती है। आरती कितने बजे होगी आज? आरती आरती का टाइम क्या है? आरती 7 बजे। अभी रामनवमी से हो जाएगी 7:30। अच्छा, आधा घंटे का टाइम बढ़ गया। कितना 8 बज जाते हैं? 7 बजे से कितने? 7 बजे से 7:15। अच्छा, 15। पहले 1 आरती होती थी, अभी 5 होने लगी है। अच्छा, 8-7 साल से 5 होने लगी है। दो लाइनें दो आरती की बता दो, यहाँ कौन सी आरती होती है? यहाँ 108 दीपक की आरती होती है जी, सुबह में मंगला आरती होती है 1 आरती। अच्छा, और शाम को सैन आरती होती है 5 आरती। और सुबह में ये नियम है, यहाँ पर पहले मंगला आरती होगी, उसके बाद में द्वारकाधीश का मंदिर बंद खुलेगा। अच्छा, और शाम को द्वारकाधीश का मंदिर बंद हो जाएगा जब यमुना जी की आरती। अच्छा, कितने बजे सुबह की आरती? सुबह 5:30। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लक्ष्मण केवट। ये गऊ घाट है सामने, देखो आज आप उल्टी ड्राइवरी में सवारी कर रहे हो सभी लोग। हाँ, एक यही ड्राइवरी है जो उल्टी है, बाकी सारी ड्राइवरी साइकिल से लेके हवाई जहाज तक मुँह के सामने की है। साइकिल भी चलाओगे वो भी सामने देख के चलाना पड़ेगा, आप इसमें स्टीमर भी चलाओगे वो भी सामने देख के चलाना पड़ेगा। हाँ, लेकिन ये उल्टी ड्राइवरी है। ये उल्टी ड्राइवरी क्यों है कि जो हमारे पूर्वजों ने राम जी को पार किया तो ठाकुर जी से पीठ नहीं थी। अच्छा, ठाकुर जी को निहारते ही रहे, तो इसलिए इसका ड्राइवर ही उल्टा है। बाकी आप कोई भी सवारी कर लो, आपको ड्राइवर का पीठ दिखेगा, मुख नहीं दिखेगा। रामायण में भी है केवल, हमारा मांगने का काम नहीं है। अगर मांगना होता तो हमारे पूर्व राम जी से ही मांग लेते, वो तीनों लोगों को स्वामी क्या नहीं दे सकते थे।
लेकिन केवट जैसा कोई चतुर नहीं निकला। उसने ठाकुर जी से एक ही चीज मांगा कि प्रभु जब मैं आपके द्वारे आऊं तो आप मुझे पार कर देना। रामायण में चौपाई आती है कि नाई से ना नाई ले, धोबी से ना धोबी ले, तो देखे उतराइयो ना जात को लजाइए। जब ऐसे केवट ने कहा राम जी से तो लक्ष्मण जी नाराज हो गए, बोले तू हमारा भाई कैसे हो गया। बोले भाई से उतराई नहीं लेते हैं। तो बोले तू कैसे हमारा भाई हो गया, हम तो सूर्यवंशी राजा हैं और तू एक नदी का खिवैया है, तू हमारा राजा कैसे वो कैसे हो गया हम भाई। तो केवट ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण जी आप इस बात को नहीं समझ रहे हो, इस बात को रघुवर जी समझ रहे हैं। बोले कैसे। बोले मैं एक नदी का खिवैया हूँ और आप भवसागर के खिवैया हो, जब मैं आपके भवसागर में आऊँ तो आप मुझे पार कर दें। तो जब पार हो गए राम जी, तो सीता माता ने, राम जी के पास तो कुछ था नहीं, सीता माता ने मुंदरी उतार के दी, तो केवट ने वो भी नहीं ली। अगर केवट उस मुंदरी को ले लेता तो सीता जी की खोज नहीं होती। वही मुंदरी देके राम जी ने हनुमान जी को भेजा था लंका। अभी यहाँ हम जो आपको लेके आए हैं, चार पांच दिन में लेके आए हैं, नंबर से नाव चलती है, 40 बोट हैं, अब हम 39 बोट से पीछे जाएंगे। अच्छा, जब वो आगे आ जाएंगी, जब सब नाव हट जाएंगी, जब उसके बाद हमारा नंबर है। 3-4 दिन में नंबर आएगा? हाँ, आज हमारा नंबर है, कल हमारा नंबर नहीं होगा, कल हमारी बोट को किनारे लग जाएंगी, दूसरे किनारे। अच्छा, कल की जो बोट है इस किनारे आ जाएंगे। हमारे यहाँ कहावत है कि आटे में तो घाटा नहीं है और माया के नहीं है दर्शन, आप पड़े रहो यहाँ बरसन। आटे में घाटा नहीं है, ठाकुर जी दाल रोटी हम नहीं देती है। ये गऊ घाट है, यहाँ पर भी आरती होने लगी है। एक दिन में कितनी बोट है यहाँ पे भी यमुना जी की आरती होती है? हाँ, यहाँ तो बहुत अच्छा बन गया था, दोबारा से तोड़ दिया है, इसको भी सही हुआ। अच्छा, हाँ, यहाँ पे भी आरती वही साथ में। हाँ, तो ठीक है, ऐसे निकलती चिंता रहेगा। पहले तो यहाँ पर आप आ नहीं सकते थे, घटना में समय इसको इतना सौंदर्यकरण कर दिया कि यहाँ आदमी आके सौदे से पहुँच वाली है। मथुरा जी की कहावत है कि मथुरा तीन लोक से न्यारी, जामे जन्मे कृष्ण मुरारी, ये तीनों लोकों से परे मथुरा जो है। कृष्ण भगवान ने तीर्थों का राजा प्रयागराज को बनाया और गुरु कुरुशंकर को बनाया, तो सारे तीर्थ प्रयागराज को कर देने के लिए जाते थे, मथुरा कभी नहीं जाता। प्रयागराज ने ब्रह्मा जी से कहा कि बाबा मेरा ऐसे ही अपमान कराना था, तो मेरे को तीर्थों का राजा क्यों बनाया। बोले क्यों, क्या बात है। बोले सारे तीर्थ, इतने बड़े बड़े तीर्थ मेरे को कर देने के लिए आते हैं, मथुरा वृंदावन कभी नहीं आया, छोटा सा मथुरा वृंदावन। तो ब्रह्मा जी बोले कि मैं इस बात में कुछ कह नहीं सकता हूँ, आपको नारायण के पास लेके चलूँगा। तो ब्रह्मा जी लेकर के गए भगवान को, तो भगवान बोले कैसे आए पितामह। बोले मैंने ये प्रयागराज की समस्या है, उसको प्रभु दूर करो। बोले क्या बात है। बोले ये कह रहे हैं कि इन्होंने सब तीर्थ मेरे को कर देने के लिए आते हैं, लेकिन ये मथुरा वृंदावन मेरे को कभी कर देने नहीं आया। तो ठाकुर जी ने क्या कहा उनसे कि मैंने तुमको तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। तो ये मथुरा वृंदावन भगवान का घर है। देखा था कि आदमी के पास टाइम था तो पैसा नहीं था, और आज के टाइम में
पैसा है तो टाइम नहीं। पहले यहाँ से 30-40 बोट भर के गोकुल जाया करती थी, 30-35 सवारी, आज एक भी बोट नहीं जाती। अभी लोग को बोलो कि भाई 3000 रुपये लगेंगे गोकुल छोड़ने का, तो बोलेंगे पैसे की कोई बात नहीं है लेकिन टाइम नहीं, टाइम नहीं, क्योंकि वो एक घंटा लग जाता है नाव से जाने में, और उधर से छोड़ने के बाद में जब आएंगे तो 4-5 घंटे में नाव खाली आती है। इस तरफ जाना होता है, इस तरफ या इस तरफ? गोकुल, गोकुल इधर मुँह के सामने सर, ये तो उल्टी पीछे वृंदावन है, उल्टी तरफ जाना पड़ेगा। बिल्कुल वृंदावन उधर है, इधर गोकुल, गोकुल इधर है वृंदावन। अपने यहीं चलते हैं घाटों पर, आउट एरिया पुल से नीचे जाएंगे। जन्मभूमि कितने बजे तक खुलते हैं? जन्मभूमि 8:30 होंगे, 8:30। और द्वारकाधीश जो है वो 7:00। अच्छा, द्वारकाधीश बंद होंगे फिर यमुना जी का आरती। खुलेगा कितने बजे? 7:00? 6:00। 6:00, 6 से 7। जन्म स्थान तो 4:00 से 9:00 तक, 8:00 वहाँ सीटी बजना शुरू हो जाती है, क्योंकि भीड़ भाड़ रहती है ना, तो सबको निकालने में आधा घंटा तो वैसे ही। यहाँ जो द्वारकाधीश मंदिर है उसमें 8 दर्शन होते हैं, जैसे कृष्ण भगवान का अष्ट सखाते ना, ऐसे ही अष्ट झांकी का दर्शन होता है। 4 झांकी सुबह में होती है, 4 झांकी शाम। अच्छा, तो सबसे पहले ही सुबह में मंगला जो होती है उसको बोलते हैं मंगला। ओके, फिर उसके बाद में ग्वाल। अच्छा, फिर भगवान का श्रृंगार करूँ, श्रृंगार के दर्शन, फिर 10:00 से 11:00 तक का होता है राजभोग। अच्छा, उस दर्शन में डेली सर्विस 56 प्रकार की सामग्री बनती है। क्या भोग लगाते समय आधा दरवाजा बंद करते हैं फिर खोलते हैं? पर्दा, आधा दरवाजा भी खोलते हैं बंद करते हैं वो बिहारी जी में, बिहारी जी का सिस्टम। द्वारका में हम अभी हो क्या? अभी ऐसा है ना, आप दर्शन के टाइम में जैसे झांकी का भोग के समय में, फिर लास्ट में जैसे बंद करना है ना, तो उस टाइम ऐसा करते हैं। अभी भी किया उन्होंने? हाँ, हर झांकी पे करते हैं ऐसा। अच्छा, हर झांकी। और देखो उस साइड में वो दुर्वासा ऋषि मंदिर है, व्हाइट चोटी दिख रही है ना पेड़ों में, वो दिख रहा है उसकी कथा है। ये सामने रानी घाट है, झंडा भी फहरा रहा है, बोट में जो सवारी बैठ रही है ना, ये रानी घाट है। तो कृष्ण भगवान ने दुर्वासा ऋषि का निमंत्रण किया, तो कृष्ण भगवान ने दुर्वासा ऋषि का निमंत्रण किया, तो दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण को स्वीकार किया। पहले टाइम में ये बताते हैं कि अगर ब्राह्मण निमंत्रण को स्वीकार करेगा तो ही वो करेंगे, और एक ही निमंत्रण लेते थे, आजकल तो आदमी 4-4, 5-5 ले लेते। दुर्वासा ऋषि ने निमंत्रण स्वीकार किया तो भगवान ने उनके लिए 56 प्रकार की सामग्री मंगाई, और जो कृष्ण भगवान की 16108 गोपी जो थी ना, उनमें अष्टपटरानी थी, उसमें यमुना जी भी थी। ऐसे कथा भागवत में आप सुनोगे यमुना जी को चतुर्थीय पटरानी बताया गया, लेकिन यमुना जी से पहले पटरानी कोई बनाई नहीं, क्योंकि तो भगवान का चरण छुआ जब ही से यमुना जी का पटरानी का नाम हो गया, चरण छुआ उतरी पटरानी और घुटनों घुटनों दे दिया पाए। तो 56 प्रकार की सामग्री बनवाई, तो 16100 गोपी को भगवान ने थाल सजा सजा के भेजा के जाओ दुर्वासा ऋषि को भोजन करा दिया, तो सब गोपी यहाँ पर आई, उन्होंने देखा कि यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है, यमुनाई में गहरा जल है, इसमें होके जाएंगे तो सब डूब डूब के मर जाएंगे, तो गोपी जल में नहीं उतरी और कृष्ण भगवान के पास पहुँची लौट के भोजन को लिया। तो कृष्ण भगवान बोले गोपियों कैसे लौट के आया, भोजन नहीं करा के आया? तो गोपी कहने लगी प्रभु आपने तो भोजन का बहाना बना के हमको मरने के लिए भेज दिया। बोले ऐसा क्यों सोचती हो? बोले यमुनाई में गहरा जल है, उसमें होके जाएंगे तो सब डूब डूब के मर जाएंगे। तो कृष्ण भगवान बोले जाओ गोपी यमुना जी को कहना कि कृष्ण सदा बाल ब्रह्मचारी हो तो हमको रास्ता दो। तो गोपी सोचने लगी 16108 गोपी का स्वामी है और ये बाल ब्रह्मचारी होने का वचन बोलने की उन्हें रास्ता देगी? बोले चलो स्वामी है कहा मानना पड़ेगा।
जब वो दोबारा से यहाँ पर आई, उन्होंने हाथ जोड़ के यमुनाई से ऐसे ही विनती किया कि हे जमुना मैया, कृष्ण सदा बाल ब्रह्मचारी हो तो हमको रास्ता है। तो यमुनाई ने बीच में से फटके रास्ता दिया, सब गोपी पार हो गई। पार होने के बाद में जाके गोपियों ने दुर्वासा ऋषि को भोजन कराया, तो दुर्वासा ऋषि 16,100 गोपी के भोजन को खा गए, और जो विदा मांग के वापस आई तो वो जली जल हो गया, रास्ता बंद हो गया। तो गोपी आई लौट के, उनने देखा कि यहाँ तो कोई रास्ता नहीं है, तो लौट के दुर्वासा ऋषि के पास पहुँचे। दुर्वासा ऋषि बोले, गोपियों कैसे लौट के आए, आप गया नहीं? बोले, गुरु जी कैसे जाएँ, उधर कोई रास्ता नहीं है। बोले, आप उधर से कैसे आई थी? तो गोपियों ने कहा कि आपके शिष्य ने हमसे कहा था कि जाओ यमुनाई को कहना कि कृष्ण सदा बाल ब्रह्मचारी हो तो हमको रास्ता दे दो, तो हमने ऐसा कहा, यमुनाई ने हमको रास्ता दे दिया। तो दुर्वासा ऋषि बोले, जाओ गोपियों यमुनाई को कहना कि दुर्वासा ऋषि सदा धूप हारी हो, धूप घास जो होती है ना पूजन में काम आती है, उसका आहार करने वाले, तो हमको रास्ता दे। तो गोपी दोबारा से लौट के आए, उन्होंने यमुनाई से ऐसे ही कहा कि हे यमुना मैया, दुर्वासा ऋषि सदा धूप हारी हो तो हमको रास्ता दे। तो यमुनाई ने बीच में से फिर फटके रास्ता दे दिया, सब गोपी पार हो गई। पार होने के बाद में गोपियों ने यमुनाई को ठगनी का नाम दिया, और कहने लगी, दो ठगियों बीच बसे एक ठगनी, वो बाल ब्रह्मचारी बन गए, वो 16,108 गोपी के स्वामी, और दुर्वासा ऋषि को अपने हाथ से भोजन कराया, वो धूप हारी बन गए। तो यमुनाई ने दोनों का मान रखने के लिए अपने को ठगनी का नाम स्वीकार किया। ये सामने गिरिराज जी का दर्शन है, ये गिरिराज शिला रखिए ना आले में, यही पर्वत स्वरूप है। हम लोग वहाँ नहीं जाते तो यही अपने सेवा पूजा करते हैं। ब्रज में दो ही देवता प्रत्यक्ष में, एक तो यमुना जी, दूसरे गोवर्धन, इनका इतना दूसरा इतना कम नहीं चलता। ये अस्कुंडा द्वारकाधीश घाट, आप यहाँ से चढ़ोगे सीधा ऊपर द्वारकाधीश में, जो भी घमंड भयल हो सब जलन पहाड़ लेके आता भरत जी मरले नीचे आए जब पाए हमारे आपके पूर्वज जो थे वो गंगा यमुना का गंगा का कारण मेन ये है कि हमारे आपके जो पूर्वज जो थे वो कुएं का इस्तेमाल करते थे, तो कुएं से तो मेहनत से जल खिंचता है, आपको चार बाल्टी की जरूरत है, चार ही यूज करोगे, चार बाल्टी मेहनत करके नहीं फैलाओगे। फिर उसके बाद में हेडपम्प चालू है, वो भी मेहनत से चलता है, बटन का सिस्टम है, पानी हम निकाल तो रहे लेकिन वो जाएगा कहाँ उसका किसी को ख्याल नहीं है, तो इसलिए गंगा यमुना दूषित है। तो ये संसार की सारी गंदगी को शेयर कर लेंगे, तो एक साफ कर रहे हैं पीछे पानी, ये संसार की सारी गंदगी को सहन कर लेंगे, लेकिन जब ये गंदगी फैलाएंगे तो संसार सहन नहीं कर सकता। और बलदाऊ भैया की, हमारे ब्रज के राजा हैं बलराम, कृष्ण जो हैं वो द्वारकापुरी के राजा हैं।
बंदर बैठे हैं। नहीं लगाए।